दोस्तों, योग वशिष्ठ में वशिष्ठ राम जी को ईश्वर के सर्वोत्तम स्वरूप और उसकी सर्वश्रेष्ठ पूजा की विधि का उपदेश करते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, हिमालय पर्वत पर एक कैलाश शिखर है, वहाँ पर देवादिदेव महादेव का वास है। मैंने कैलाश शिखर पर कुछ दिन वास करके तप और अध्ययन किया है। एक दिन श्रावण कृष्णा अष्टमी की आधी रात को मैं समाधि से उठा तो देखता हूँ दसों दिशाएं शांत हैं, घोर अंधकार और मंद मंद हवा चल रही है। मैं अपनी कुटिया में बैठा प्रकृति की इस शोभा का निरीक्षण कर रहा था कि तभी अचानक एक विशाल तेजोमय प्रकाश हुआ और समस्त प्रकृति चमक उठी। मेरी समझ में नहीं आया कि यह प्रकाश कहाँ से आ रहा है। चारों ओर निरीक्षण करने पर ज्ञात हुआ कि भगवान शिव पार्वती के हाथों में हाथ डाले मेरी कुटिया की ओर चले आ रहे हैं। उनके समीप आने पर मैंने उनका स्वागत और सादर सविनय प्रणाम किया। उनके बैठने के लिए उन्हें आसन प्रदान किया। देवादिदेव महादेव ने आसन पर बैठते ही मुझसे कुशल पूछी और मुझे आशीर्वाद दिया। मेरे मन में बड़ा आनंद हुआ। मैंने भगवान से पूछा, हे प्रभु, यदि आप मुझ में कृपा रखते हैं तो मुझको यह बतलाइए कि भगवान का स्वरूप क्या है और उसकी सर्वोत्तम पूजा विधि क्या है। भगवान शिव कहते हैं, वशिष्ठ, भगवान का सर्वश्रेष्ठ रूप न विष्णु है, न शिव है, न इंद्र है, न पवन है, न सूर्य और न अग्नि है, न वह देहधारी है, न ही चित्त रूप। वह तो स्वरूपतः अनादि और अनंत समित है। हे वशिष्ठ, अरुंधति का जो चैतन्य स्वरूप है, तुम्हारा जो चैतन्य तत्व है, पार्वती का जो चैतन्य स्वरूप है, उनके गणों में जो चैतन्यात्मता है, जो मुझ में यह चैतन्य स्वरूप है और जो तीनों जगत में चैतन्य स्वरूप विराजमान है, उत्तम मति तत्वज्ञानी उसे ही ईश्वर रूप जानते हैं। हे ब्रह्मन, वह न तो दूर स्थित है और न किसी के लिए दुष्प्राप्य ही है। वह सदा इसी शरीर तथा संपूर्ण आकाश में सर्वत्र ही स्थित है। वही सबका कर्ता और भोक्ता है। वही क्रिया करता है, वही खाता है, वही पालन करता है, वही श्वास लेता है, वही गाता है और वही अंग अंग को जानता है। वही यह परमात्मा सूक्ष्म, सर्वव्यापी और माया रहित है। वही भाष्य के आरोप काल में इस भास्वर सांसारिक आभास का मानो निर्माण करता है और भाष्य के अपवाद काल में निर्माण नहीं भी करता है। हे वशिष्ठ, उसी को शिव कहते हैं, उसका ही तुम पूजन करो। आकार का पूजन तो उनके लिए है जो शिव तत्व को नहीं जानते। रुद्रादि देवों का पूजन करने से परिच्छन्न और परिमित पदार्थों की ही प्राप्ति होती है, परंतु अनादि और अनंत आत्मरूप देव का पूजन करने से अलौकिक आनंद की प्राप्ति होती है। वह ब्रह्म जो कि संपूर्ण जगत है, देवों का देव है, उसी की पूजा आराधना करना श्रेष्ठ और श्रेयस्कर है। हे वशिष्ठ, वह देव नित्य और सर्वत्र वर्तमान है। उसकी पूजा के लिए आवाहन और मंत्रों की आवश्यकता नहीं है। बोध के अतिरिक्त उसकी पूजा की और कोई विधि नहीं है। वह ध्यान द्वारा ही पूजा जाता है। ध्यान ही उसका अर्घ है, ध्यान ही उसका पुष्प है और ध्यान उपहार है। ध्यान से ही वह प्रसन्न होता है। सभी कार्य करते हुए, सभी भोगों को भोगते हुए,
सभी स्थितियों में रहते हुए आत्मा का ध्यान करते रहने से ही आत्मा प्रसन्न होता है। आत्मा की अर्चना प्रत्येक मनुष्य प्रत्येक स्थिति में कर सकता है। अपने देह में स्थित परम शिव का सोते जागते, चलते फिरते, उठते बैठते, खाते पीते, सब प्रकार के भोगों का भोग करते हुए सदा ही ध्यान करना चाहिए। ऐसा करने से ही जीव का परम कल्याण है। इस प्रकार शिव ने वशिष्ठ को देव पूजा का स्वरूप बताकर कहा, अब मैं अपने स्थान पर जाना चाहता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। यह कहकर वे पार्वती को लेकर अपने स्थान में चले गए और मेरे मन में सदा प्रकाश कर गए। हे राम, तभी से मैं इस प्रकार ही देव पूजा करता हूँ।